नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो अगर अभी के टाइम देखने को मिल रहा है कि GTL में दोस्तों लगातार पिछले टाइम लोअर सर्किट देखने को मिल रहा था, उस पर एक बार फिर से आज लगाम देखने को मिली है और मार्केट पिछले वाली प्राइस पर सेम क्लोजिंग देखने को मिली है। तो फिलहाल दोस्तों कंपनी का आगे चलकर क्या फंडामेंटल यहाँ पर रहने वाला है वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अभी के टाइम शॉर्ट का क्या संकेत अभी के टाइम देखने को मिल रहा है वो भी यहाँ पे देखने वाले हैं, और अभी के टाइम कंपनी में क्या पॉजिटिविटी रहने वाली है और क्या नेगेटिविटी देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की प्राइस अभी टाइम 75 पैसे पर यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी का जो मार्केट कैप दोस्तों पिछले टाइम 1012 करोड़ का जो देखने को मिल रहा था वो 987 करोड़ पर आ चुका है। इसका मतलब कंपनी के आंतरिक फंडामेंटल पर गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। और दोस्तों मैंने आप लोग को पिछले टाइम एक फॉर्मूला जो बताया था कि कंपनी के दो सेगमेंट हम मान सकते हैं। पहला सेगमेंट दोस्तों हम यहाँ पे बारी सेगमेंट हम मान सकते हैं और दूसरा हम आंतरिक सेगमेंट मान सकते हैं। आंतरिक सेगमेंट में दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे मानने वाले हैं और बाहरी सेगमेंट में कंपनी की CMP करंट मार्केट प्राइस हम मान सकते हैं। तो अभी के टाइम सबसे पहले ये देखने को मिल रहा है कि आंतरिक सेगमेंट अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आता है, जी हाँ दोस्तों अगर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होता है और बाहरी पर कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना देखने को मिले है, पर दोस्तों उस चीज़ का जो असर है कंपनी के आंतरिक स्ट्रक्चर पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं पड़ता तो कंपनी का जो फ्यूचर है काफ़ी सुनहरा यहाँ पे बन सकता है। पर कंपनी के दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पे गिरावट यहाँ पे दोस्तों बाहरी सेगमेंट पर यहाँ पे देखने को मिलती है, GTL के मार्केट कैप पर भी दोस्तों उसी प्रकार दोस्तों हलचल यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कंपनी दोस्तों जिस दिन यहाँ पे लगातार लोअर सर्किट की तरफ बढ़ेगी तो कंपनी दोस्तों डिलिस्ट होने का खतरा जो है काफ़ी ज़्यादा मंडरा सकता है और लगातार जो फंडामेंटल की जो वीकनेस है वो आप लोग को बड़ी यहाँ पे देखने को नजर आ सकती है। अब कंपनी का दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पे 4508 करोड़ का जो कर्ज है वो तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 4000 करोड़ का दोस्तों कंपनी ऑलरेडी एक बार फिर से फ्रॉड करने का जो केस है वो कंपनी के ऊपर दायर हो चुका है। कंपनी का केस अगर यहाँ पे दोस्तों सचमुच में 4000 करोड़ का जो फ्रॉड वाला अगर सच निकलता है तो कंपनी का दोस्तों हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का जो है 8500 करोड़ का कर्ज यहाँ पे हो सकता है। तो इस प्रकार कंपनी में जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा डिलिस्ट की तरफ बढ़ सकती है और कंपनी दोस्तों तुरंत जो है वो यहाँ पे डिलिस्ट होने का जो खतरा है वो यहाँ पे मंडरा सकता है। रीज़न ये देखने को मिला कि कंपनी के ऊपर दोस्तों 8500 करोड़ का जो कर्ज है वो दोस्तों छोटी मोटी बात नहीं, काफ़ी बड़ा कर्ज यहाँ पे हो जाता है और उसी के चलते कंपनी की जो इंडस्ट्री स्पीच जो यहाँ पे देखने को मिल रही है 53.5% की देखने को मिल रही है। ROC अगर यहाँ पे देखा जाए तो 43% नेगेटिव देखने को मिल रही है। कंपनी के जो दोस्तों 100% जो शेयर हैं वो यहाँ पे गिरवी रखे हुए हैं और साथ ही साथ कंपनी में लगातार जो कर्ज है वो बढ़ता हुआ नजर आया। कंपनी का दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो प्रमोटिंग होल्डिंग है वो भी कंटिन्यूसली गिरती हुई नजर आ रही है। सेल्स की ग्रोथ 3 साल का एवरेज अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है, पर यहाँ पे देखा जाए तो सेल्स की ग्रोथ वर्तमान की अगर देखी जाए तो वो यहाँ पे नेगेटिव नजर आ रही है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर प्रॉफिट की ग्रोथ अगर यहाँ पे देखा जाए वो यहाँ पे 20.5% नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो कंपनी का दोस्तों लगभग 95% जो डेटा देखने को मिल रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से तो वो यहाँ पे नेगेटिव बैठता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग को रिकमेंड पिछले टाइम से भी नहीं कर रहा था कि कंपनी में आप इन्वेस्ट करें दोस्तों। अगर यहाँ पे जिस लेवल की अगर आप लोग की होल्डिंग है तो दोस्तों वो यहाँ पे रिकवर होती है तो कंपनी का फंडामेंटल पॉजिटिव रहने देता है, तब जाकर रिकवरी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों मैं तो आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि जैसे दोस्तों आप लोग का प्रॉफिट रिकवर होता है दोस्तों एग्जिट करें दोस्तों दूसरी कंपनी आप लोग को दोस्तों दर्शन कर लेने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में आप लोग के अच्छे जो है पॉजिटिव फंडामेंटल देखने को मिलने वाला है नहीं। और कंपनी अगर पॉजिटिव देखने को मिलेगी तो दोस्तों कम से कम 5 से 6 साल का वक्त इस कंपनी में लग सकता है, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैपिटल जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी में जो नेगेटिविटी नजर आ रही है ब्याज अवरेज अनुपात कम, सेल्स की ग्रोथ यहाँ पे कम देखने को मिली, प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिली, लेबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो लगभग दोस्तों 2200 करोड़ की लेबिलिटीज़ यहाँ पे देखने को वर्तमान में देखने को मिल रही है। तो अभी के टाइम जो देखने को मिल रहा है साथ ही साथ कंपनी जो 100% जो शेयर है वो यहाँ पे गिरवी रखे हुए हैं, तो कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे वीक नज़र आ रहा है। फिलहाल दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी में जो बेसिक जो देखने को मिल रहा है सेलिंग होल्डिंग का पैटर्न का जो डेटा था हमने देखा, पर अभी टाइम कंपनी में जो देखने को मिल रहा है कि लगातार जो ROC जो देखने को मिली वो घटती हुई कंटिन्यूसली देखने को मिली है। वर्किंग कैपिटल के दिन की अगर बात की जाए तो 769 दिन से दोस्तों बढ़कर 967 दिन पर यहाँ पे पहुँच चुका है। तो फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ओनली 8 करोड़ का देखने को मिल रहा है वर्तमान में, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी रहने वाली है। टोटल असिस्टेड की बात की जाए तो कंपनी जो पिछले टाइम से टोटल असिस्टेड जो देखने को मिल रही थी 5555 करोड़ की देखने को मिल रही थी, पर अभी टाइम 4271 करोड़ की देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब कंपनी लगातार दोस्तों गिरावट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, डगमगाता हुआ फंडामेंटल नजर आ रहा है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करने वाला कि कंपनी में आप दोस्तों इन्वेस्टमेंट करें और अपना पैसा बर्बाद करें और दोस्तों लगातार जो है आप लोग का जो पैसा बर्बादी हो दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंगाली पर यहाँ पे आस आए। तो दोस्तों मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करने वाला। फिलहाल अगर यहाँ पे बेसिक जो देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर्स का अगर यहाँ पे डेटा जो देखने को मिल रहा है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट की जो ग्रोथ है 21
प्रतिशत नेगेटिव देखने को मिला। सेल्स की ग्रोथ यहाँ पे वर्तमान में नेगेटिव नजर आ रही है। स्टॉक्स प्राइस CAGR अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है, जो 42% नेगेटिव यहाँ पे रहने वाला है। तो इसका मतलब कंपनी में दोस्तों लगभग 95 जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे कंपनी में 100% जो डेटा है वो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव रहने वाला है। फिलहाल इस शेयर के बारे में अपनी कोई बेसिक जानकारी हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो जानकारी कमेंट में पिन जरूर से कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।